इस वक्त हम गाजियाबाद शहर की सीट पे हैं। इस विधानसभा में चुनाव थोड़ा और इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अतुल गर्ग हैं, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं वो बीजेपी के एक बड़े नेता माने जाते थे क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष होते थे बीजेपी के शुक्ला, और अब वो चुनावी बिगुल बसपा की टिकट से फूंक रहे हैं। किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? अतुल गर्ग को आप लोगों ने पिछली बार चुनाव लड़वाया, जितवाया, 70,000 का एक मार्जिन दिलवाया, तो आप उनके खिलाफ जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे जीतेंगे वे? मैं देखिए, पिछली बार हमने उन्हें जिताया और उनके साथ काम भी किया, पूरी जनता ने काम किया, लेकिन उनसे बहुत आशा थी क्योंकि उनकी सरकार बनी, हमारी केंद्र में भी थी। जो उन्होंने वादे किए, उन्होंने कहा था शहर विधानसभा को मैं गुड़गांवा बना दूंगा, कॉलेज दूंगा, अस्पताल दूंगा, पीने के लिए पानी, गंगाजल हमारे यहाँ स्टोरेज है बहुत बड़ा, वो पानी पी देंगे, और इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा हब है हमारे यहाँ गाजियाबाद का। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया को एक हब बनाएंगे, जैसे और जगह सरकारें घोषित कर रही हैं कपड़ों के लिए, कहीं चमड़े के लिए। तो उन्होंने कहा था हम इस 5 साल में करेंगे। हम लोग अभी प्रतिनिधिमंडल बना के उनके पास गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए कि भाई साहब शहर विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, पिछले 5 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, हमारे विधायक जी बात नहीं करते हैं। कोई जाता है तो कहते हैं प्रतिनिधि से बात करो, प्रतिनिधि कहता है कुछ लेके आए तो बात करो। हम लोगों ने बहुत तंग आके पिछले 6 महीने से लगभग गाजियाबाद शहर विधानसभा के करीब 10,000 कार्यकर्ता इस निष्क्रिय होकर बैठने शुरू हो गए, और हम लोगों ने एक मीटिंग की, जनसभा की, और ये फैसला लिया कि अगर अतुल गर्ग जी काम नहीं करते हैं तो इनकी शिकायत ऊपर की जाए, और हम लोग सभी बड़े नेताओं से मिले कि इस शहर में कोई काम नहीं हो रहा, किस तरह से हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन अतुल गर्ग को अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं रही, जब कभी जाओ तो कहता था कि मेरे मंत्रालय का काम बहुत है, मुझे समय ही नहीं है, और मेरे पास तो इतना काम है कि मैं क्या काम करूं। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि चुनाव भले ही अलग अलग पार्टियों का हो, लेकिन शहर विधानसभा में ये लड़ाई असल में भाजपा बनाम भाजपा है, भाजपा बागी, ये लड़ाई जनता बनाम अतुल गर्ग है। मैं, जनता ने मुझे खड़ा किया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं आज जनता के साथ हूँ और अतुल गर्ग के खिलाफ जनता लड़ रही है। आप ही कह रहे हैं कि 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ आप निष्क्रिय हो गए, तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे? बीजेपी के भी हैं और समाज के भी बहुत सारे वर्ग हैं, समाज के बहुत सारे संगठन हैं जो मेरे साथ आ गए। कार्यकर्ता जब निराश होगा तो पार्टी ही छोड़ेगा। एक और सवाल है सर, आप तमाम नाराजगियों के मुद्दे तो गिनवा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। दो पक्षीय ये लड़ाई देखी जा रही है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। ये जो सीट है, यहाँ पे दलित समाज के साथ मुसलमान वोट बैंक भी बहुत क्रूशियल माना जाता है, ऐसे में क्या वो वोटर आपको वोट देगा जो बीजेपी से आया है, या वो समाजवादी पार्टी को? गाजियाबाद शहर विधानसभा इस बार तय कर चुकी है कि बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देगी, और इस बार 2022 में खुलने दीजिए पोलिंग स्टेशन, आपको बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से दिखाई देगी आती हुई। हमारा वोटर साइलेंट है और जब निकलता है तो तबाही मचा देता है। लेकिन ये तो सवाल लोग पूछेंगे ना कि मुसलमान अगर बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी के साथ है, तो ऐसा शहर सीट पे कौन सा करिश्मा हो जाएगा कि बीएसपी के साथ चला जाए? देखिए, मुस्लिम वर्ग हमेशा विकास के साथ रहता है, जो विकास करवाता है और जो सभी के साथ लेके चलता है। बहुजन समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ है, यहाँ ब्राह्मणों के साथ है, सारी जातियाँ हमारे साथ चल रही हैं और खुल के चल रही हैं, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप ये भी मान रहे हैं कि पिछले 5 साल आप जिस पार्टी के साथ संबंध बनाए हुए थे वो रिश्ता असल में गलत संगठन के साथ? देखिए, मैं पिछले 28 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ, मेरा मतभेद विकास को लेके है, क्योंकि मेरे लिए पहले समाज है और क्षेत्र है, अगर वो नाराज हो जाएगा तो मैं राजनीति किसके साथ करूंगा। एक आखिरी सवाल के शुक्ला जी आपसे, कि आप जो लोकल विधायक हैं उनके खिलाफ तो नारे लगा रहे हैं और तमाम गलतियां उनकी गिनवा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों पे आप बोलने से बच रहे हैं, इसकी वजह क्या? देखिए, मैं किसी के बोलने से नहीं बचता हूँ, लेकिन सबसे पहले नुमाइंदा अतुल गर्ग तो उन्हीं का है और हमारा मुकाबला यहाँ अतुल गर्ग से है। तो उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? भाई, कार्यकाल तो जब इनका फ्लॉप है तो सभी का फ्लॉप माना जाएगा, क्योंकि जब अगर
किसी के भी पार्टी का नुमाइंदा जिसे खड़ा कर रखा है और वो बेकार है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, तो सरकार अगर उसे नहीं देख पाई तो ये सरकार और उनका मामला है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है के शुक्ला, जो इस वक्त गाजियाबाद शहर की सीट से चुनावी रण में है।